हेलो फ्रेंड्स, सुनीता शर्मा किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा कमाल की रेमेडी लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, की इस रेमेडी को देखने के बाद में आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं करेंगे। आपके बाल अगर वाइट है तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही कमाल का रिजल्ट देने वाली यह रेमेडी है जो। तो चलिए रेमेडी बनाने स्टार्ट करेंगे। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरा देखें, इसके बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। और अभी तक आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी जाके फॉलो, लाइक, शेयर करें। वहाँ पे भी आपको ऐसे ही कमाल की रेमेडी देखने को मिलेगी। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको सबसे पहले लेना है कोई भी लोहे का बर्तन लेना है, कढ़ाई ले लेना है। दूसरी चीज़ आपको डाल देना है इसमें एक चम्मच हमने आंवला पाउडर ले लिया है, क्योंकि आंवला पाउडर इतना कमाल का रिजल्ट आता है कि हमारे बालों को बहुत ही अच्छा एक ब्लैक कलर देता है ये, और नेचुरल ब्लैक कलर देता है। दूसरी चीज़ इसमें डाल देंगे भृंगराज का पाउडर। तो भृंगराज का पाउडर भी बहुत ही अच्छा होता है हमारे बालों के लिए, हमारे बालों की जड़ों को भी मजबूत बनाता है आंवला और भृंगराज, और बहुत ही नेचुरल ब्लैक कलर देता है ये। तो इस तरीके से हमने इनको दोनों को डाल दिया। अब ले लेंगे थोड़ी सी हम इसमें ले लेंगे मेहंदी पाउडर। तो मेहंदी पाउडर आपको जितना क्वांटिटी में, अगर आपके बाल ज़्यादा वाइट है तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं मेहंदी पाउडर, क्योंकि एक दोनों को इनको कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा कलर आएगा आपके बालों में। इसको केवल आपको हफ्ते में एक बार लगाना है। तो देखिए हमने तीनों चीज़ों को डाल दिया। आप इसमें अगर आपके पास सिकाकाई या रीठा का पाउडर तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। और अब हमने ले लिया इसमें कॉफ़ी पाउडर, आधी चम्मच के करीब इसमें कॉफ़ी पाउडर ले लिए हैं। तो कॉफ़ी पाउडर भी आपके बालों को नेचुरल ब्लैक कलर देगा। तो आप इस तरीके से रेमेडी बना के ज़रूर अप्लाई करें। और आप ये रेमेडी को अप्लाई करने के बाद में फ्रेंड्स खुद कमेंट्स करके बताएंगे कि आपके रिजल्ट कैसा आया। इस तरीके से आप ये रेमेडी बनाएंगे तो आपको खुद को अनुभव हो जाएगा कि आपको जितने बाल, अगर आपके वाइट है तो पूरे, अगर बाल आपके वाइट हो चुके हैं तो उस पर भी लगा सकते हैं। कम मात्रा में अगर बाल वाइट है तो वहाँ पर आप इसको थोड़ी क्वान्टिटी में लगा सकते हैं। तो हमारे बहुत ही कम मात्रा में बाल वाइट हुए हैं तो इस पर बिल्कुल हम ये लगा रहे हैं रेमेडी, तो बिल्कुल धीरे धीरे करके बिल्कुल बाल है जो कम हो चुके हैं। अब ऐसा नहीं कि आप इसको एक बार लगाने से पूरे बाल बिल्कुल वाइट से ब्लैक हो जाएंगे, धीरे धीरे करके, क्योंकि नेचुरल चीज़ें हैं जो धीरे धीरे करके हमारे जो बालों को रेमेडी है जो ये कि ब्लैक करती है। नेचुरल ब्लैक कलर होने में बहुत टाइम लगता है। और इस तरीके से आप ये रेमेडी अप्लाई करते रहेंगे तो आपके बाल जो बचे हुए हैं ब्लैक कलर के तो वो बिल्कुल ब्लैक ही रहेंगे, बिल्कुल भी वाइट नहीं होंगे, क्योंकि हमारे बालों को न्यूट्रिशन भी मिलता रहेगा, हमारे बालों को जो कलर भी मिलता रहेगा, दोनों चीज़ें हमारे। तो देखिए इस तरीके से आपको लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको रोस्ट कर लेना है। हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करिएगा, नहीं तो हाई फ्लेम पे इसका जो कलर है जो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आपको ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे आप इसको पकाएंगे तो इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा, हमारे बालों में नेचुरल कलर आएगा। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से इसका कलर चेंज होने लगा है। अब इसकी गैस हम बंद कर देंगे, और आप चाहें तो इसमें और भी मेहंदी की क्वांटिटी बढ़ा के आप अलग से भी डाल सकते हैं। आपके बालों में इतना ज़बरदस्त कलर आएगा, लोग पूछेंगे कि आपने लगाया क्या है। डाई लगाने से आपके बाल बिल्कुल ब्लैक होते हैं, और इसमें इतना अच्छा कलर आएगा, जो नेचुरल ब्राउन कलर होता है वो आएगा हमारे बालों में। तो अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा, हमने ले लिया है पानी, ले लिए हैं तो पानी से भी आप इसको तैयार कर सकते हैं, या अलग से आप इसको ठंडा करके भी भिगो के भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से हम इसको गर्म करके इसको पकाएंगे तो बिल्कुल 2 मिनट में इसका पेस्ट बनके तैयार हो जाएगा, और आप इसको तुरंत में लगा सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से आप इसका कलर भी देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है, तो हमारे बालों में कितना अच्छा कलर आएगा। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अभी तक आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी जाके फॉलो, लाइक, शेयर करें। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगे आप हमारे को कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें, हमारे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है इससे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है। तो फ्रेंड्स मैं गारंटी से बोल रही हूँ, अगर ये रेमेडी आप हफ्ते में एक बार लगाना शुरू कर देंगे तो आपको कोई डाई या मेहंदी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या कोई भी आपको कलर यूज़ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही कमाल का रिजल्ट आता है इस रेमेडी में। तो इस तरीके से आपको और कौन सी रेमेडी पसंद है या आपको रेसिपी पसंद है तो आप हमारे को कमेंट में बताइए, तो हम आपके लिए, अगर आप रक्षाबंधन के लिए कोई रेसिपी पसंद है तो हम आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स आप जल्दी से जाके हमारे को कमेंट में बता दीजिए कि आपको अगर रेमेडी या रेसिपी पसंद है, ये वाली रेसिपी ज़्यादा पसंद है तो वो ही बताइए आप। तो देखिए हम इसकी गैस बंद कर दिए, अब इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। आपका इसको पेस्ट को गाढ़ा नहीं करना है, बिल्कुल हल्का पेस्ट ही आपको इसका बनाना है। और आपको इसको रात को लगा के सो जाना है, सुबह उठ के अपने बालों को धो लेना है।
तो आप कटोरी में जो कलर आ रहा है उसको देख के भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे बालों में कितना ज़बरदस्त का कलर आएगा। तो अब इसमें डाल दिया हमने थोड़ी सी मेहंदी अलग से और डाल दी है मेहंदी पाउडर, क्योंकि हमारे बालों में बहुत ही अच्छी एक चमक आएगी, एकदम बहुत ही अच्छी शाइन आएगी। और थोड़ी सी कॉफ़ी पाउडर आपको और ऊपर से ले लेना है। तो हमारे बाल इतने सिल्की होंगे कि लोग पूछेंगे आपने कौन सा कंडीशनर यूज़ कर रहे हैं या आप कौन सा सीरम यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से रेमेडी एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें फ्रेंड्स, मैं गारंटी से बोल रही हूँ अगर ये रेमेडी लगाएंगे तो आपके बालों में 100% आपको असर दिखेगा। तो इसी तरीके से हम और रेमेडी लेके आएंगे आपके लिए, तो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें वीडियो को। तो देखिए हमने इसको मिक्स कर लिया है, आपको किस तरीके से लगाना है वो भी हम आपको बता दिए कि आपको इसको रात को लगा के सो जाना है और सुबह उठ के अपने बालों को धो लेना है। तो देखिए हमने थोड़ी सी देर में हमारी उंगली के ऊपर है जो इसका निशान आ चुका है। तो आप इसको रात भर रखेंगे तो आपके बालों में कितना कमाल का रिजल्ट आएगा फ्रेंड्स, वो तो आप इसको लगा के देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ऐसे नहीं कि आप पर फिर लगाते नहीं हो, ठीक से कमेंट करते हो कि हमारे कुछ भी नहीं फ़ायदा हुआ। आप फ्रेंड्स इस रेमेडी को ज़रूर लगाइए। तो वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।